और रतन टाटा के जाने से पूरे देश भर में शोक की लहर है। भारत ने एक आइकॉन को खो दिया है। यूं तो रतन टाटा की यादें कई कहानियों से सजी हुई हैं, लेकिन उनमें सबसे अलग है नैनो की कहानी। बिल्कुल, कई किस्से और कहानियों में नैनो का जिक्र बार बार होता है, क्योंकि रतन टाटा ने एक बार एक मोटरसाइकिल पर परिवार के चार लोगों को भीगते हुए देखा और तभी नैनो के आविष्कार के बारे में सोचा और उसको पूरा भी करके दिखाया, क्योंकि इस नैनो गाड़ी से कई लोगों के सपने जुड़े हुए थे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। रतन टाटा उद्योग जगत के ऐसे सूरमा थे जिनका मकसद उत्पाद को सिर्फ फायदे के लिए ही बनाना नहीं होता था, बल्कि वो हमेशा यही सोचते थे कि कैसे एक ऐसा उत्पाद बनाया जाए जिससे हजारों का जीवन संवर जाए। बात उस समय की है जब कार उत्पादन की दुनिया में टाटा ने अपने नाम को कायम किया। टाटा के इंडिका कार और सफारी जैसी एसयूवी ने कार मार्केट में टाटा की बुनियाद की नींव तो रखी ही, उसे काफी मजबूत भी कर दिया। इंडिका तो इतनी लोकप्रिय हुई कि उसे सिर्फ शहर ही नहीं, छोटे कस्बों और गांवों में भी खूब पसंद किया जाने लगा। लेकिन देश का एक बड़ा तबका अब भी था जो अपने संघर्षों का सफर दोपहिया वाहनों पर पूरा करता था, जिसे तब कहीं भी आने जाने के लिए अपने स्कूटर और बाइक के ही सहारे रहना पड़ता था। चाहे चिलचिलाती धूप हो, बारिश हो या फिर कड़कड़ाती ठंड। एक ऐसी ही घटना हुई और फिर रतन टाटा के दिमाग में नैनो ने जन्म लिया। रतन टाटा ने बताया, मैंने चार लोगों के परिवार को मुंबई की भारी बारिश में मोटरसाइकिल पर भीगते देखा। मैं समझ गया कि मुझे इन परिवारों के लिए बहुत कुछ करना होगा, जो विकल्प न होने के चलते अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं। उस एक परिवार के संघर्ष को देखकर रतन टाटा को लगा कि उन्होंने पूरी तरह से स्वदेश में निर्मित कार तो तैयार कर दी, लेकिन वो कार देश के शायद काम नहीं आ रही। अब देश की पहली स्वदेशी कार बनाने का खिताब तो रतन टाटा ने अपने नाम कर लिया था, लेकिन अब देश की ऐसी कार बनाने की सोच रहे थे जो लोगों की पहुंच में। साल 2008 में रतन टाटा ने नैनो कार को पहली बार भारत के ऑटो एक्सपो में पेश किया। लॉन्चिंग के साथ ही नैनो कार की बातें शुरू हो गई। साल 2009 में टाटा मोटर्स ने नैनो कार का पहला मॉडल लॉन्च किया। लॉन्चिंग के वक्त नैनो पूरे भारत की सबसे सस्ती कार थी। हालांकि 10 साल में काफी उतार चढ़ाव के बीच कार के उत्पादन को बंद करना पड़ा, लेकिन खास बात यही कि पहली बार भारत में एक ऐसी कार बनी जो लोगों की जेब बिल्कुल भारी नहीं करती थी। नैनो का सपना एक ऐसे देश में लॉन्च हुआ जहां दो पहिया गाड़ी में ही लोगों की जिंदगी बीत जाती है। ऐसे देश में इस छोटे से सपने को बड़ा रूप शायद रतन टाटा के अलावा कोई भी नहीं दे सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रतन टाटा को लोग उनकी शालीनता और शांत स्वभाव के लिए भी जानते हैं। कई ऐसे किस्से हैं जिनका जिक्र हो रहा है और होता आया है। ऐसा एक फोर्ड मालिक के साथ भी जुड़ा हुआ किस्सा है। बिल्कुल, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा, जिन्होंने फोर्ड कंपनी के मालिक को आईना दिखाया और उनका घमंड चूर चूर किया। रिपोर्ट में देखिए। मोटर इंडस्ट्री की दुनिया में टाटा एक ऐसा नाम है जिसने दुनिया भर के जहन में सिर्फ हिंदुस्तान की छाप ही नहीं छोड़ी, बल्कि दुनिया को ये भी दिखा दिया कि भारत के उद्योगपति जब अपने तेवर में आता है तो वह ऊंट को पहाड़ की ऊंचाई दिखाने में जरा भी देर नहीं करता। और रतन टाटा तो ऐसे उद्योगपतियों में से थे जो अपनी बेइज्जती का जवाब अपने काम से देना बाखूबी जानते थे। साल 2009 में रतन टाटा ने भारतीय उद्योग और टाटा का नाम दुनिया भर में उस समय मशहूर कर दिया जब टाटा मोटर्स ने
जगवार और लैंड रोवर जैसी लग्जरी कार ब्रांड्स को खरीदने का फैसला कर लिया। लेकिन पूरी कहानी उससे 9 साल पहले की एक घटना से जुड़ी है। 90 के दशक के अंत में टाटा मोटर्स ने अपनी पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने का विचार किया। अमेरिकी कार निर्माता फोर्ड से बातचीत करने वो न्यूयॉर्क गए। साल 1999 की एक बैठक में फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा के पैसेंजर कार व्यवसाय पर टिप्पणी की। बिल फोर्ड ने अपमानजनक रूप से कहा कि वे टाटा की कार डिवीजन खरीद कर उन पर एहसान कर रहे हैं। उस समय रतन टाटा और उनकी टीम चुपचाप वतन लौट आई। इसके बाद शुरू हुआ रतन टाटा का 9 साल का इंतजार। साल 2009 में जब दुनिया भर में आई मंदी ने फोर्ड कंपनी को घुटनों पर ला दिया, तब फोर्ड ने अपनी जगवार और लैंड रोवर जैसे ब्रांड को बेचने का फैसला कर लिया। साल 2024 अभी बीता भी नहीं कि भारत को एक और क्षति हुई। देश ही नहीं विदेश तक में अपनी धमक के लिए जाने जाने वाले भारत के रत्न एक बड़े कारोबारी रतन टाटा के निधन की खबर से देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। रतन टाटा ने ब्रिज कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। वो 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। दरअसल बुधवार की शाम उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने की खबर आई। आईसीयू में एडमिट करवाया गया। देश उनकी सलामती की दुआ करने लगा, लेकिन कुछ ही घंटे बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा का जाना देश के लिए एक बड़ी क्षति है। हालांकि देश कभी उन्हें भूलेगा नहीं। उन्होंने देश के लिए एक से बढ़कर एक काम किए। टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रतन टाटा की सबसे बड़ी भूमिका रही। रतन टाटा ने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वो एक दरिया दिल इंसान थे और मुसीबत में देश के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इससे पहले भी सोमवार को रतन टाटा की तबीयत खराब होने की खबर आई, जिसके बाद उन्होंने खुद सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और इस पोस्ट में लिखा, मेरे लिए चिंता करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं बढ़ती उम्र की बीमारियों के रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल आया हूँ। रतन टाटा ने अस्पताल से वापस लौटने का वादा किया था, लेकिन इस बार उनका ये वादा अधूरा रह गया। वो अपना किया वादा तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। अरबपति कारोबारी का 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्म हुआ था। वो साल 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित कर देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। रतन टाटा की शख्सियत को अगर देखें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक दिल और दरिया दिल इंसान थे। वो देश के लिए हमेशा आदर्श और प्रेरणा स्रोत रहेंगे। वो अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते थे और उनका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। दरअसल रतन टाटा को 1991 में ऑटो से लेकर स्टील तक के कारोबार से जुड़े टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने 2012 तक इस ग्रुप का नेतृत्व किया, जिसकी स्थापना उनके परदादा ने की थी। 1996 में टाटा ने टेलीकॉम कंपनी टाटा टेलीसर्विस की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मार्केट में लिस्ट कराया। रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी कारोबारी, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और व्यवहारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने अपनी विनम्रता,
दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के साथ कई लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। रतन टाटा जी के साथ अनगिनत बातचीत से मेरा मन भरा हुआ है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब से मैं उनसे अक्सर मिलता था। दिल्ली आने पर बातचीत जारी रही। उनके निधन से दुखी हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, रतन टाटा का दुनिया से जाना देश भर के लिए दुखद है। कहीं ना कहीं आज भारत का कोहिनूर हमसे पिछड़ गया। एक अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर हरपला, भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूंगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी दुख जताते हुए कहा, मुंबई टाटा ग्रुप की कर्मभूमि थी, इसके लिए उनका मुंबई और महाराष्ट्र पर विशेष प्रेम था। रतन टाटा का भारतीय उद्योग और सामाजिक क्षेत्र में योगदान भुलाया नहीं जा सकता। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है, देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। रतन टाटा का भारत के कारोबारी जगत में काफी अहम योगदान माना जाता है। उन्हें भारत के दो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2008 में पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रतन टाटा के जाने से पूरे देश भर में शोक की लहर है। भारत ने एक आइकॉन को खो दिया है। यूं तो रतन टाटा की यादें कई कहानियों से सजी हुई हैं, लेकिन उनमें सबसे अलग है नैनो की कहानी। बिल्कुल, कई किस्से और कहानियों में नैनो का जिक्र बार बार होता है, क्योंकि रतन टाटा ने एक बार एक मोटरसाइकिल पर परिवार के चार लोगों को भीगते हुए देखा और तभी नैनो के आविष्कार के बारे में सोचा और उसको पूरा भी करके दिखाया, क्योंकि इस नैनो गाड़ी से कई लोगों के सपने जुड़े हुए थे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। रतन टाटा उद्योग जगत के ऐसे सूरमा थे जिनका मकसद उत्पाद को सिर्फ फायदे के लिए ही बनाना नहीं होता था, बल्कि वो हमेशा यही सोचते थे कि कैसे एक ऐसा उत्पाद बनाया जाए जिससे हजारों का जीवन संवर जाए। बात उस समय की है जब कार उत्पादन की दुनिया में टाटा ने अपने नाम को कायम किया। टाटा के इंडिका कार और सफारी जैसी एसयूवी ने कार मार्केट में टाटा की बुनियाद की नींव तो रखी ही, उसे काफी मजबूत भी कर दिया। इंडिका तो इतनी लोकप्रिय हुई कि उसे सिर्फ शहर ही नहीं, छोटे कस्बों और गाँव में भी खूब पसंद किया जाने लगा। लेकिन देश का एक बड़ा तबका अब भी था जो अपने संघर्षों का सफर दोपहिया वाहनों पर पूरा करता था, जिसे तब